हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी पर लगातार थी। तो इस शब्द से हम यही समझते हैं, इस वाक्य से हम यही समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी में जब भी वो मेहनत करता है अपने टारगेट के पीछे, और वो कंटिन्यूअस रूप से अगर मेहनत करता है तो आने वाला समय में एक दिन ना एक दिन वो सक्सेस जरूर होगा। तो धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है इस ज़िंदगी में, आगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए आइए, आपका स्वागत है फोकस ऑन करियर क्लासेस में। चलिए देखते हैं, आज मैथ का सेट नंबर 3 है। इसका फुल डिस्कशन हम लोग करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है से इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जा करके पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स कहते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कितनी दूरी तय की गई। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक आयताकार जगह है जिसमें ए बी और सी डी, और अंकिता क्या है कि अंकिता एक कॉर्नर पर कहीं खड़ी है और ये क्या करती है कि विकर्ण के साथ दौड़ती है। इसका विकर्ण ये हुआ और इसके साथ ये दौड़ती है और पुनः दौड़ करके ये वापस आ जाती है। तो इसमें बताना है कि वो अंकिता द्वारा कुल कितना दूरी तय की गई। तो इसमें हम देखेंगे 20 मीटर मेरा लंबाई है, 40 मीटर मेरा लंबाई है और 30 मीटर चौड़ाई है। तो इसमें हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यदि कोई त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री है, ये हमारा परपेंडिकुलर अगर लंब है, ये आधार है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखते हैं क्योंकि ये आयत है तो आयत का हम ए कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये एक तरीका से परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर अगर करें तो 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी मेरा 40 का स्क्वायर, ये दोनों समांतर है तो इसका जितना वैल्यू होगा उतना ऊपर वाला का भी वैल्यू होगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। बाकी फिर यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 30 900 और 4 4 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे 16 9 अगर बोलते हैं तो ये 2500 हो जाएगा एच स्क्वायर। यहाँ पे एच का अगर वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 2500 दैट इज कॉल्ड 50 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट राउंड में जब यहाँ से यहाँ वापस गई और फिर वहाँ से लेकर के यहाँ तक आई, तो यहाँ से यहाँ तक जाती है 50 मीटर और फिर वापस आती है 50 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 और वापस आने में 50, यानी कुल दूरी जो तय की वो इसके द्वारा तय किया गया दूरी हो गया 100 मीटर। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे इसी क्रम में देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 375 है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि x है और दूसरा y है, तो एक्स वाई का वैल्यू 375 दिया गया है और बोल रहा है कि अगर x को अगर 5 से x को अगर y से अगर डिवाइड किया जाता है तो 5/3 बचता है, यही कह रहा है क्वेश्चन। यानी कि यहाँ से हमारा ये कन्फर्म होता है कि x इज टू y का रेशियो जो हो गया हमारा 5:3 का रेशियो है। ठीक है, चलिए एक्स के जगह पर हम 5 पुट कर देंगे और वाई के जगह पर 3 पुट कर देंगे, इसको हम रेशियो में है तो चूंकि एक्स एक्स दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 5x पुट कर दिए एक्स के जगह पे यहाँ पे और वाई के जगह पर हम पुट कर देंगे 3x इज इक्वल टू 375।
चलिए 5 × 3 = 15 एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 375 हो गया, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहाँ अगर चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 375/15, 15 × 2 = 30 और 15 × 5 = 75, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 25 आ गया, तो एक्स का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या होगा कि इसका वैल्यू 5 आया, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। तो अब यही दोनों वो संख्या था, धनात्मक संख्या था। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पे हमारा 16 हमारा आंसर हो जाएगा, 15 हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मशीन के निर्माण में मूल्यों को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच का में बांटा गया है। उसका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 149,500 है तो मशीनरी में के मूल्य का पता लगाएं। ये बोल रहा है एक मशीन है उसको बनाया जाता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सामग्री की बात करता है, श्रम की बात करता है और अतिरिक्त खर्च। ये तीनों का रेशियो हमारा दिया हुआ है 5:3:1, और जिसमें कि बोला गया है कि आवंटित किया गया है, जिसमें अतिरिक्त खर्च जो है अतिरिक्त, यानी कि इसका वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है 149,500 रुपया दिया हुआ है। तो कुल मशीनियरी, यहाँ पे एक शब्द है मशीनियरी, यानी कि मशीनियरी की मतलब होता है कि जो मशीन जो बनाया गया उसमें सामग्री, श्रम, अतिरिक्त खर्च में 5:3:1 के रूप में खर्च हुआ है पैसा, जिसमें कि अतिरिक्त खर्च में 149,500 रुपया खर्च हुआ है। तो बोल रहे हैं मशीनियरी, यानी कि कुल खर्च कितना हुआ है। तो अब बताते हैं कि देखते हैं कि कुल कितना हुआ। तो कुल हमारा हो गया 5, 3, 8 और 1, 9 हो गया, यानी कि इसका टोटल रेशियो का वैल्यू जो हम ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू मेरा 149,500 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 149,500 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 ठो 0 को 0 यहाँ पे उतार देंगे, 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 9, 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 9, 9 × 81 = 85, 5 × 8 हो गया, और 9 × 4 = 36 और 8 × 44 = 4 हो गया, 9 × 9 = 13, यहाँ पे हमारा आ गया 13,45,500, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 3 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो समचतुर्भुज नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे गलती से क्वेश्चन में समचतुर्भुज लिखा गया है, अगर समचतुर्भुज होगा तो उसका विकर्ण तो फिर बराबर हो जाएगा, तो क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज है, जिसमें से एक का इसका विकर्ण जो है से 8 मीटर है और दूसरे का विकर्ण है से 6 मीटर है। तो बोल रहा है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम चूंकि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × d1 × d2 होता है, चलिए 1/2 d1 का वैल्यू 8 है और d2 का वैल्यू 6 है, 4, यानी कि 6 × 4 = 24 हमारा 24 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो क्लास में ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम में नहीं बैठे हैं कि थोड़ा सा फास्ट, इसलिए किसी भी चीज़ को थोड़ा सा जल्दी जल्दी सीखने की ज़्यादा कोई भी चीज़ स्पीड में करने से वो ख़राब हो जाता है, इसलिए चलिए हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। राम और रहीम एक दूसरे को 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, वे क्रमशः 8 km/s और 9 km/s की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, वे कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। चलिए
ये दो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट पे राम है, राम, और एक पर रहीम है। ये दोनों का बीच का दूरी जो है 680 मीटर है, और जो राम का स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, और रहीम जो है 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो जब कोई व्यक्ति दोनों एक ही दिशा की ओर आते हैं, जैसे ए इधर जा रहा है और वो इधर आ रहा है, एक दूसरे के मुख के साइड आते हैं, तो इनका जो स्पीड होता है वो घट जाता है। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के तरफ आते हैं तो इनका स्पीड जो है प्लस होता है, और जबकि एक ही साइड में जाते हैं तो इनका स्पीड है से माइनस में होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 680 मीटर मेरा दिया हुआ है, दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और अगर कोरिलेटिव स्पीड, ये दोनों जो मिल करके जो स्पीड हुआ उसको कोरिलेटिव स्पीड बोलते हैं, तो 8 और 9, तो यहाँ पे 680 बट्टा 9 8 17 हो जाता है, ठीक है, मीटर। तो 17 से काटेंगे तो 17 दो 34, 17 चौके 68, यानी हमारा जो हुआ 40 सेकंड का हमारा जो क्या है टाइम लगेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, चलिए देखिए, बोर्ड मास का है, तो थोड़ा सा बोर्ड मास का रूल भी आपको बता देते हैं। बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास होता है, इसका मतलब बिग ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट होता है, O का मतलब ऑफ होता है, D का मतलब डिवाइड होता है। जितने भी पहले से जो क्लास कर चुके होंगे देख करके घबराएंगे नहीं, और जिनको बोर्ड मास आता है वो भी नहीं घबराएंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि जो लोग फाउंडेशन बैच नहीं किए हैं कहीं वो देख रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा नया नया बात है, उनको सिखलाएंगे, मेरा सिखलाना कर्तव्य बनता है। चलिए देखते हैं, M मतलब मल्टीप्लाई होता है, A मतलब ऐड होता है, मतलब एडिशन, ऐड बोले, अब ये सबसे सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अगर बिग ब्रैकेट की बात करें तो वो भी तीन प्रकार का होता है, एक बड़ा होता है, एक मंझला होता है, और तीसरा जो होता है स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, एक बार फिर ऑफ का काम करते हैं, ऑफ मतलब का होता है, एक बार डिवाइड का काम करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे, ऐड का काम करेंगे, तब सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन हम बनाते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरा 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2.1/3 माइनस 1.1/2, ये बड़ा कोष्टक में लगा हुआ है, यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, प्लस 1.2/5 दिया हुआ है, यहाँ डिवाइडेड बाई 2.1/3 दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा यही है। चलिए इसको बनाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट का पहले हम ये जो पूर्णांक में दिया हुआ है इसको हम तोड़ेंगे, तो 3 × 6 = 7/3 हो जाएगा, माइनस 2 × 2 = 3/2 हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑफ ऑफ लिख देंगे, ठीक है, 3/5 प्लस 5 × 5 = 2 = 7/5 डिवाइडेड बाई 3 × 6 = 7/3, ठीक है। चलिए स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम एलसीएम लेंगे तो मेरा 6 हो जाएगा, 7 × 14 − 3 = 9, ये मेरा हो जाएगा। ऑफ मतलब का होता है, तो 3/5 हम कर देते हैं, प्लस 7/5 डिवाइडेड है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में होकर के 3 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। चलिए 14 में से 9 घटाएंगे, 5 बच जाएगा, 5/6 × 3/5 प्लस 7/5 × 3/7। चलिए देखते हैं, क्रॉस मल्टी अप्लाई करके काट देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऊपर हमारा क्या बचता है, 1/2 बच जाएगा, प्लस 3/5 बच जाएगा। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 5 × 3 × 6 यानी कि 11/10, 11/10 हुआ हमारा। इसी को अगर हम लिखते हैं तो 1.1/10, 10 × 10 = 11/10, हमारा वैल्यू जो होगा फाइनल आंसर 1.1/10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आगे। 7 नंबर बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात
तीन अनुपात पाँच अनुपात नौ अनुपात तेरह है तो सबसे बड़ी कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले अगर बात करें किया जाए तो एक चतुर्भुज, चाहे वो किसी प्रकार का चतुर्भुज हो, किसी प्रकार का चतुर्भुज है जिसका चार वो कोना हो, एंगल होता है, कोण होता है, यानी कि चारों कोण का योग जो होता है टोटल टोटल इसका जो ये जो कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये कोण हुआ, ये टोटल जो होता है चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और यही चारों कोणों का इनका जो अनुपात दिया हुआ है तो तीन अनुपात पाँच अनुपात नौ अनुपात तेरह अनुपात दिया हुआ है। तो जब टोटल कोणों का योग हमारा 360 डिग्री है तो रेशियो को हम ऐड करके देख लेंगे, ये नौ है, पाँच तीन आठ, आठ नौ सत्रह और तेरह तीस होता है। चलिए, यानी कि ये जो हमारा हुआ पाँच तीन आठ नौ सत्रह और तेरह, यानी तीस एक्स का वैल्यू जो हो गया तो 360 बटा 30 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तीन से 12, यानी x का मेरा जो वैल्यू आया वो हमारा आ गया 12 डिग्री, ठीक है। अब बोलता है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि 13 है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू यानी 1 का वैल्यू हमारा 12 है तो 13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 गुना का 12 कर देंगे, 12 तीन छत्तीस, छः हाथ में तीन, 12 तीन 15, 156 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, सात नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ आगे देखते हैं। अभी इतना बेसिक क्वेश्चन कराने का मेरा मेन मकसद ये है कि हर एक चैप्टर से थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ताकि आने वाला समय में जब हम थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन जब कराएंगे, एसएससी बैंकिंग या फिर सीजीएल मेंस लेवल का जब क्वेश्चन कराएंगे, उस समय आपको जब बेसिक कंप्लीट रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आठ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ बोलता है कि यदि एक्स एक अभाज्य संख्या है तो एक्स और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। चलिए सबसे पहले अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो देखिएगा, एक कॉमन सेंस लगाने की बात है, कॉमन सेंस से एक क्वेश्चन बनेगा, दो होता है अभाज्य संख्या, तीन होता है, पाँच होता है, सात होता है, ग्यारह होता है, चलिए इतना में ही हम लोग जज करते हैं। मान लीजिए कि अगर पहला संख्या, अगर क्रमिक संख्या में अगर पहला संख्या अगर एक्स है तो दूसरा संख्या हमारा जो होगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो कि यहाँ पर अगर हम देखें ये क्रमिक संख्या, यानी कि ये जो है से हमारा क्रमिक संख्या में पहला संख्या एक्स हो जाएगा तो दूसरा संख्या तीन हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। चलिए दूसरा बात ये बताते हैं कि मान लीजिए कि अगर पाँच को अगर एक्स मानते हैं तो जो क्रमिक इसके बाद मतलब आने वाला जो संख्या होगा एक्स प्लस छः हो जाएगा, ठीक है, तो पाँच और छः हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो दो और तीन हो जाएगा, जबकि इसका कभी भी हम एलसीएम निकालेंगे इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो एलसीएम जब कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो ये दोनों को एलसीएम निकालने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम यह क्या कंसिडर करते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या का अगर क्रमिक की बात किया जाए तो पहला संख्या अगर एक्स होगा तो उसके जस्ट आगे वाला संख्या x प्लस वन हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम जब भी निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वन, यही हमारा आंसर होगा, चाहे किसी पे भी अप्लाई करेंगे हमारा आंसर यही होगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, आठ का सी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीमता एक काम को 12 दिन में समाप्त करती है और सैम उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो चार दिन तक एक साथ वे काम कर देते हैं और काम को छोड़ देते हैं, तो बताइए काम कितना खत्म हुआ और कितना बचा है अभी काम। तो इसमें पूछ रहा है कि बाकी जो बचा हुआ काम है वो कितना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि एक पहली जो लड़की है सीमता है और दूसरा है सैम कोई लड़का है, ठीक है, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, एक किसी काम को 9 दिन में करता है। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 36 एलसीएम, जो कि इसका अगर इफिशियंसी की अगर बात करें हम इफिशियंसी की तो 12 तीय 36 और 9 चौके 36, यानी कि एक दिन में जो सीमता जो है से तीन काम करेगी। अगर टोटल काम की अगर बात करें तो टोटल काम हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक दिन में सीमता है से किसी काम को अगर करती है
तो इस 36 काम को अगर करती है तो एक दिन में उसका जो इफिशियंसी होगा काम करने का जो दर होगा से तीन करेगी, और सैम जो है से उस काम को करेगा चार। तो अब बोल रहा है कि चार दिन तक इन लोग साथ में, तो एक दिन में इन लोग दोनों मिल करके काम कितना करता है, सात करता है। तो चार दिन अगर काम कराएंगे तो सात गुना चार यानी कि टोटल काम इन लोग किया कितना, 28, चार दिन में 28 काम किया। और दोनों क्या है कि उन लोग कहीं चला जाता है, काम नहीं करता है, ठीक है, उसके बाद छोड़ देता है। तो टोटल काम अगर देखें हम तो टोटल काम मेरा 36 था, टोटल काम कितना था 36, जिसमें से कि 28 कर दिया है, 28 कर दिया है, तो बचा कितना 8 बचा। तो यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उन लोग द्वारा जो किया गया काम है करके जो काम बचा वो कितना आखिर बचा, तो 8 बटा हमारा 36 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 नवा 36 यानी 2 बटा 9 जो हमारा है यही हमारा आंसर हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 81x² - 49y² = इसका वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें डिवाइडेड बाय 7x+ इसमें है 9x + 7y है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला कल भी बताए थे, इसके पहले भी दिन बताए थे कि a² - b² = होता है a+b और a - b होता है। चलिए इसी को फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे, तो अब बोलिएगा कि यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, तो यहाँ देखते हैं अप्लाई। इसको हम 81 को लिख सकते हैं 9x² - 7y² / 9x + 7y, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं a² - b² ठीक है, तो a² - b² बराबर होता है a+b * a - b। तो हम लिख सकते हैं 9x + 7y * 9x - 7y और नीचे में है 9x + 7y। अब देखिए 9x + 7y और 9x + 7y ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मेरा 9x - 7y, ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है यानी भोजन है, यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो उसमें से कितना व्यक्ति को है से कैंप छोड़ करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, हम 180 विद्यार्थी हैं, इनको खाने का जो सामग्री है से 20 दिन का है, और इनको बोलता है कि अगर इसी खाना को अगर 25 दिन तक हमको चलाना है, 25 दिन तक चलाना है, तो कितना व्यक्ति होंगे बचना चाहिए, यहाँ पे व्यक्ति का संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम व्यक्ति का संख्या x मान लेंगे, देखते हैं कि 180 व्यक्ति जो हैं 20 दिन में जितना खाना खाते हैं वही खाना को 25 दिन चलाने के लिए कितने व्यक्ति की हमको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 180 × 20 / अगर 25 कर देंगे तो 5 × 20, 5 × 25, 5 से इसको करेंगे तो 5 × 3 = 15, 36, 6 × 24 के 4 हाथ में, 2 × 4 = 12, 2 = 14, यानी कि यहाँ x का जो वैल्यू हो जाएगा 144, यानी कि यहाँ से कन्फर्म ये होता है कि 180 विद्यार्थी 20 दिन में जो खाना खा रहे थे उसी को, वही भोजन को 25 दिन खाने के लिए मात्र 144 व्यक्ति चाहिए, यानी कि पहले से 180 व्यक्ति थे कैंप में तो अब 144 हैं। तो अब हमको बताइए कि कितना व्यक्ति को बाहर भेजना पड़ेगा कैंप से, तो हम यहाँ पे सिंपल 180 में से 144 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा 36 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है युवा छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके, ठीक है। तो बोल रहा है, चलिए 15 का वर्ग बोल रहा है, 15² + 14² कर देंगे, ठीक है, और इससे जो संख्या आएगा 15 × 15 = 225 होता है और + 14 = 196 होता है। चलिए जोड़ते हैं, 6 × 5 = 11 हाथ में, 1 × 9 = 11 / 2 = 1 / 3 = 4, 421। यहाँ पे कंसीडर करने की बात है कि 421 जो है किसका वर्ग है हम देखेंगे,
तो ये किसी भी चीज़ का वर्ग नहीं होता है। अगर 20 का अगर वर्ग करें तो 20 का वर्ग होता है 400 और 21 का वर्ग करें तो 441 होता है। यानी तो हमको इसमें जोड़ने की बात कह रही है, अगर घटाने का बात कहता तो इससे पहले आते हम 400 साइड, और अगर जोड़ने की बात कह रही है तो इसमें हम जाएंगे आगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर बात कर रहा है 421 का, तो इसमें हम मात्र एक 20 और अगर जोड़ देते हैं तो हम पहुँच जाएंगे 441 पर। यानी कि इस संख्या में कम से कम हमको 20 जोड़ना होगा ताकि हम पहुँच जाएंगे 441 पर, जो कि हमारे 21 का स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता कि इसमें हम क्या घटा देते हैं, मिनिमम से छोटी संख्या क्या घटा देते हैं जो एक वर्ग होता, तो इसमें मात्र हमको 21 घटाना पड़ता और 400 तक पहुंचना होता, तब जाकर के 20 का वर्ग होता और हम यहाँ पे बोल सकते थे कि 20 का वर्ग होता ये, यानी यही हमारा आंसर हो जाता पहले जब बोलता कि क्या घटाना पड़ता तब। लेकिन बोला गया है कि क्या जोड़ना है, इसलिए हम 21 जोड़ेंगे, ठीक है, जाकर के 41 हो जाएगा जो कि 21 का स्क्वायर होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पढ़ते हैं। दो क्रमशः छूट दिया गया है, दो क्रमशः छूट। कोई व्यक्ति जो है से कपड़ा दुकान चाहे कहीं भी कोई चीज़ खरीदने जाता है तो बोलता है, बार्गेनिंग करता है, बोलता है कि कुछ भी है छोड़ दीजिए हमको, ठीक है। तो क्या कहता है कि फर्स्ट बार में 12% का छूट मांगता है, तो 12% के छूट देने के बाद वो व्यक्ति का मन में कुछ और ख्याल आया होगा और बोलता है दोबारा कि 5% का भैया और हमको छूट कर दीजिए, यानी लेस कर दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर ये दोनों दो बार में जो बोला तो उसको एक ही बार में बोलना चाहिए था, तो एक बार में एकल छूट में क्या बोलता। तो इसके लिए दो फार्मूला होता है, ए प्लस बी, दो दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100 होता है। इसमें भी हम बना लेंगे, ए का वैल्यू 12 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, माइनस 12 गुना 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 12 5 17 माइनस 12 5 60 बाई 100, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, ठीक है। और 17 में से 0.6 घटाएंगे तो 16.4 हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 नंबर बोलता है कि एक मिश्र धातु में सोना और चांदी का अनुपात 17:3 है, जिसमें चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, तो सोना का वजन क्या होगा। एक मिश्र धातु है जिसमें सोना और चांदी की बात करता है, सोना और चांदी का जो रेशियो है 17:3 है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि चांदी का वजन 2.7 है, चांदी का वजन 2.7, यानी कि 3x का वैल्यू जो दिया हुआ है, 3x का जो वैल्यू दिया हुआ है 2.7 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 2.7 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये हो जाता है 0.9 हो जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 0.9 है तो 17x बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 गुना 0.9 करेंगे, 9 से 63 के 3 हाथ में 6 हो जाएगा, 9 इकाई 9 6 15, एक दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, हमारा 15.3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15.3 ग्राम, ठीक है। चलिए 14 का हमारा जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि यदि 5 कारों का क्रय मूल 4 कारों के विक्रय मूल के बराबर है तो लाभ या हानि होता है, उसका परसेंटेज बताना है। तो देखिए इसमें एक चीज ज्ञात करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इस टाइप के क्वेश्चन में जब कहता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यह ध्यान देना है सिर्फ कि जो क्रय मूल की बात कर रहा है, पांच कारों का क्रय मूल 4 कारों के विक्रय मूल के बराबर है, ठीक है। तब बताइए कि इसमें बेनिफिट क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ाते हैं और गड़बड़ाना भी नहीं है। यहाँ पे देखें जो विक्रयमूल है उसको हम क्रयमूल मान लेंगे और जो क्रयमूल है उसको हम विक्रयमूल मान लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि कोई वस्तु को 4 रुपये में आप खरीदे और 5 रुपये में बेच दिए, तो 1 रुपये का हमारा फायदा हो गया, कितना पर 4 रुपये में, इसी का तो परसेंटेज निकाल लेना है और कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए ये हमारा 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग ऑप्शन में दिया हो रहा था 25% माइनस हानि हुआ या 25% लाभ हुआ, तो यहाँ लोग बहुत जल्दी मार देते हैं कि 25% हानि हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्रयमूल का जो वैल्यू है उसको विक्रयमूल मान लेना है और विक्रयमूल का वैल्यू है उसको क्रयमूल मान लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है, हो गया 6। अब इसका माध्य बोल रहा है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, 3 2 5 5, अच्छा 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो 2 3 5 10 7 17 17 11 28 और 13 41, 41/6 हमारा यही आंसर हो जाएगा। 16 का सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 16/a = √0.25 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ ए बराबर हो जाएगा 16 √0.25। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, a = 16 × 0.5 हमारा 8 आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 2 संख्याओं का HCF 14 है, 3 में से LCM कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो 18 नंबर की बात कर रहा है कि 2 संख्याओं का, तो चलिए यहाँ पे एक हम बात बताते हैं कि मान लीजिए कि 6 और 8 कोई संख्या है, ठीक है। 6 और 8 अगर कोई संख्या है तो देखिए अगर इसका HCF का बात करें, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें अगर हम फाइंड करते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या निकाला जा सकता है, हाईएस्ट कॉमन यहाँ से 2 निकल सकता है तो बचेगा 3 और बचेगा 4, और इसी को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ HCF की अगर बात करें तो हमारा HCF जो हुआ ये हमारा 2 हुआ, ठीक है। तो HCF हम 2 कंसिडर कर लिए, लेकिन अगर LCM जब निकालना होता है तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल करके जो बचता है संख्या उसी को आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, तो यही हमारा LCM हो जाता है, ठीक है। यानी कि LCM बराबर 3 × 6 = 24 हो गया। तो यहाँ से हम बताना ये चाहते हैं कि किसी भी 2 संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है और LCM जो होता है, तो हमेशा जो LCM होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिविजिबल होता है। यानी कि जितना भी कोई भी 2 संख्या का अगर LCM है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमेशा डिवाइड हो जाता है, जिसमें शेष नहीं बचता है, इससे पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में यही है कि 24 HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो दिया हुआ है इसमें 24 है, और ऑप्शन में दिया है 118 144 128 136। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 24 से कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्णतः विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है 144 जो है वो 24 से क्या है, पूर्ण विभाजित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यही इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलिए एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, ABCD, और बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जो कि BCD है, BCD यही त्रिभुज है, ठीक है। तो ये जो पूरा ऑल ओवर जो इसका जो है, इसका जो है ये पूरा का जो एरिया जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल ऑफ ABCD का क्षेत्रफल जो दिया है 25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बताइए कोई भी आयत है या कोई भी चतुर्भुज है, तो किसी का भी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना वो 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो जब ये 2 बराबर विभाजित में डिवाइड करेगा तो ये जो पूरा का जो हमारा क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है इसको सिंपल से 2 भाग में बांट देंगे, 2 भाग में बांट देंगे तो 12.5 मीटर जो स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर, अब यही दोनों का मिला करके दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बीस नंबर क्वेश्चन, यदि 4^3 × 5^6 = 10^m है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो चलिए सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यही m का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर जो है 3 है, 5^6 = 10^m है, यहाँ पर लिख सकते हैं,
कि 2 के पावर 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, इक्वल टू 10 टू द पावर m हो जाएगा। चलिए तो एक बात हम लोग सीखते हैं, अगर a के पावर m है इंटू b के पावर अगर m है तो हमारा ये जो फार्मूला है ए बी के पावर m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही देखना है कि जब a के पावर m है और b का पावर भी m है, दोनों 6 बराबर है, तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी 10 का पावर हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ भी 10 का पावर m हो जाएगा, तो 10 10 इसका बेस है, तो यहाँ m के सामने में जो आ रहा है 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा m के पावर 6, यानी m इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता, इसका बी। चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं बोल सकते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए उतना भी आसान नहीं है, लेकिन मेरा इस टाइप का क्वेश्चन लाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो व्यक्ति नहीं पहले से पढ़े हैं वो मेरे इस YouTube चैनल पे आएंगे तो बोलेंगे कि क्या क्या बता रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा हम ध्यान में रख करके थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, ताकि आने वाला समय में उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबको ले करके चलना है, सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है, बस धन्यवाद, थैंक यू।